हाय माय यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पता है मैं क्या सोच रही थी? कल मैंने जो आपसे कहा कि मुझे भी कार्टून देखना पसंद है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग सोचने लगे हो मुझे वो नोबितो, डोरेमोन या फिर वो शिनचैंग, ये जो भी आते हैं वो देखने पसंद है? मुझको ये वाले वीडियोस इसलिए नहीं पसंद हैं या ये वाले कार्टून्स इसलिए नहीं पसंद हैं, पता है इसमें जो बच्चों को दिखाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उनको गंदी तरह से जवाब दे रहे हैं, ऐसे मेरे को कार्टून नहीं अच्छे लगते। मुझको तो वो कार्टून अच्छे लगते हैं जिनके एंड में कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। ऐसी मुझे वो कहानियाँ भी अच्छी लगती हैं। जिन कार्टून फिल्म्स का मैंने नाम लिया था उसमें हमें देख सीखने को मिलता है कि कैसे इंसान को एक दूसरे की मदद करना आना चाहिए, कैसे बहादुर बनना चाहिए, कैसे अपनी कमज़ोरी माने जिस चीज़ को करने में हमें डर लगता है और जिससे सबका फ़ायदा होता है, उसको करने के लिए कैसे हिम्मत जुटानी चाहिए। ऐसी कहानियाँ हैरी पॉटर में इतना अच्छा अच्छा जादू दिखाते हैं जो रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन ये दिखाते हैं कि हैरी पॉटर कैसे सबका सामना करता है, कैसे अपने दुश्मनों से बिना गलत व्यवहार किए हुए भी बदला ले लेता है। अब जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि मुझको चाट खाना पसंद है या चाउमीन, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम कहीं भी जाएंगे तो चाउमीन जैसी भी मिल रही होगी खा लेंगे। नहीं, इसका मतलब है अगर आप बाहर कभी कहीं खाना खाने जाते हैं तो साफ़ सुथरी जगह देखकर, अपना ध्यान रखते हुए वहीं पर खाएं जहाँ पर चीज़ अच्छी मिले, अच्छा कार्टून देखें, अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छी साफ़ सुथरी जगह खाना खाएं। वैसे आपको याद है ना, कोरोना फैल रहा है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? लापरवाही की वजह से। हम लोग सोच लेते हैं, अरे अब तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, अब तो सब लॉकडाउन भी खुल गया। लॉकडाउन खुलने का मतलब बीमारी चले जाना थोड़ी है। लॉकडाउन का खुलने का मतलब ये है ताकि सब लोग थोड़ा बहुत काम कर सकें, पैसे कमा सकें, ताकि अपने खर्चे चला सकें। अगर घर में बैठे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बस इसीलिए लॉकडाउन खुला है। इसलिए नहीं कि फुल्की के ठेले पे, चाट के ठेले पे सब लोग खड़े हो जाते हैं, मास्क लगाते नहीं हैं और पता नहीं कैसा प्लेट रहता है, धुला बेधुला कैसे हाथ रहते हैं चाट वाले के, उसी से सब लोग बगल बगल में खड़े होके बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खाने लगते हैं। आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, आपको याद है ना, मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं और डिस्टेंस तो हर जगह मेंटेन करना है। घर में भी देखिए, इसका कोई गलत मतलब नहीं है। अगर आप डिस्टेंस पे बैठते हैं तो भी आपस में प्यार बना रहता है। साथ बैठ के बिना हाथ धोए, मास्क के बिना बात करने से हम भी किसी को बीमार कर सकते हैं, कोई हमें भी कर सकता है। अब बीमारी की बात पे याद आया, एक चीज़ और मैंने सीखी है। सीखी क्या? मैंने पढ़ी है, जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं, नहीं नहीं मोटे तो हो ही जाते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं या फिर जिनको भूख कम लगती है, जो बहुत ज़्यादा सोते हैं या जिनको नींद ही नहीं आती है, जो गुस्सा बहुत करते हैं, जल्दी से परेशान हो जाते हैं, खिसियाने लगते हैं, रोने लगते हैं, काट लेते हैं किसी को या फिर अपने दांत किटकिटाते हैं, ऐसे बच्चों के पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। वैसे तो हमारी बीमारियों की बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन पेट में कीड़े होने की वजह से पता है हम अच्छे स्टूडेंट भी नहीं बन पाते, स्पोर्ट्स को भी इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि पेट में दर्द रहेगा, या तो बार बार भूख लगती रहेगी और या फिर हमें भूख ही नहीं लगेगी, या तो हम बहुत डल रहते हैं या फिर हम गुस्सा करते रहते हैं, खिसी आते रहते हैं, और अल्टीमेटली सब लोग ये सोचेंगे ये तो पढ़ना ही नहीं चाहता, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहती, इसका मन ही नहीं लगता, खेलना ही नहीं चाहते, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पेट के कीड़े जो हैं, जो हमारा सारा न्यूट्रिशन जो है वो खा लेते हैं, और कहने के लिए हम बहुत सारा खाते हैं पर ताकत हमें मिलती नहीं है, और हम एक ऐसे सोल्जर हो जाते हैं जिसको कोई भी एनिमी हरा सकता है। एनिमी का मतलब बीमारियां। इसलिए क्या करना है? साफ रहना है। साफ तो हम पहले भी रहते थे, लेकिन अब क्या करना है? अब थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ धोते रहने हैं, ये सोचकर कि कोई भी सरफेस माने किसी भी चीज़ की ऊपरी सतह, कोई भी सरफेस गंदी हो सकती है, किसी की छुई हुई हो सकती है, और उस छुई हुई चीज़ में वायरस हो सकता है,
उस वायरस को गलती से भी अगर हमारे चेहरे पे, नाक के पास या हमारे मुंह में चला गया तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए मुंह को पहले ढकी लो ताकि उसमें कुछ भी ना जाए। कई कई बार हम पढ़ते पढ़ते पेंसिल मुंह में डाल लेते हैं, पेन लगा लेते हैं मुंह में, पेज पलटने के लिए अपने जीभ पे उंगली लगाते हैं फिर पेज पलट लेते हैं। ये सब आदतें अब छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि हमें अपने को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सारी जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसका पालन करें, अच्छी कहानियाँ पढ़ें जिससे कुछ सीखने को मिले। अरे हाँ, दौड़ना भागना भी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके बच्चों के साथ खेलने लगे बिना मास्क लगाए और फिर पता लगा बीमार होके आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया है मोबाइल पे अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए तो उनकी परमिशन से कुछ ऐसे वीडियोस देखिए जो बच्चों को घर में ही थोड़ी सी ही जगह में, बहुत बड़ी जगह भी नहीं चाहिए होती है और रोड साइड पे भागना भी नहीं होता है, लेकिन घर में रह के ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों से हम एक्सरसाइज करके अपने को फिट रख सकते हैं। जब हम अंदर से फिट रहेंगे तभी तो बाहर से रिफ्लेक्ट होगा। मतलब क्या है, खाना अच्छा खाइए तो अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे, एक्सरसाइज करिए तो फिट रहेंगे, और जैसे ही आप अंदर से फिट होते हैं बाहर से सब दिखने लगता है। आपका चेहरा ग्लो करता है, आप अच्छे दिखने लगते हैं, आपको डलनेस नहीं होती है, आप बार बार सोते नहीं रहते हैं, आपको हर किसी पे गुस्सा नहीं आता, आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो आपके दोस्त भी जल्दी बनते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है तो आपको पढ़ाई भी जल्दी समझ में आती है। तो इसका मतलब छोटी छोटी चीज़ें करनी है और अपना भला करना है, अपना भला खुद कर सकते हैं क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं। मैं आपकी एडवाइज़र हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ भी मैं बताती हूँ, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर से बात करिएगा। ये मत मान लीजिएगा कि मैंने कहा था तो पेट में कीड़े ही होंगे, कीड़े भी हो सकते हैं। इसलिए ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय।